कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और अब राहुल की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा अब श्रीनगर पहुंच चुकी है और कल इसका समापन कार्यक्रम है। समापन से पहले आज राहुल गांधी ने श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर तिरंगा फहराया। राहुल गांधी के श्रीनगर शहर के ऐतिहासिक लाल चौक पर तिरंगा फहराने के कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन भी एक्शन में नजर आया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए लाल चौक को सील कर दिया गया और आम नागरिकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। इस दौरान राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। राहुल गांधी का लाल चौक पर तिरंगा फहराना ऐतिहासिक रूप से देखें तो काफी मायने रखता है, क्योंकि इससे पहले श्रीनगर के लाल चौक पर साल 1992 में 26 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी तिरंगा फहराया था। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और मुरली मनोहर जोशी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की एकता यात्रा निकाली थी। तिरंगा फहराने से पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत पंथा से की, जिसके बाद यात्रा श्रीनगर के लाल चौक पहुंची और लाल चौक पहुंचकर राहुल गांधी ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद राहुल गांधी की यात्रा को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जब देश में नफरत बढ़ रही थी तब राहुल गांधी ने यात्रा निकाली है। वहीं बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी का कोई भी नेता जिसने देश के लिए बलिदान दिया बताए, और राहुल गांधी की यात्रा ने दर्शाया है कि कांग्रेस देशभक्ति की विचारधारा लेकर चलती है। जब उन्होंने देखा देश में नफरत बढ़ रही है, समाज बढ़ रहा है, उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि कुछ लोग देश को बांटना चाहते हैं, विभाजन पैदा करना चाहते हैं, इशारा साफ तौर पर कांग्रेस कहने के लिए कुछ नहीं है। यात्रा की सफलता ने यह दर्शा दिया है जो कांग्रेस पार्टी की है, जो देशभक्ति की परिभाषा और देशभक्ति के प्रति अपनी विचारधारा को आगे लेकर चलती है। एक भी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेता नहीं है जिसने आजादी के बाद देश के लिए बलिदान दिया। वहीं आपको बता दें, आज राहुल गांधी ने यात्रा शुरू करने से पहले ट्वीट कर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो कश्मीरी पंडितों से बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि आज कश्मीरी पंडित भाजपा सरकार से पूछ रहे हैं, हमारा राजनीतिक इस्तेमाल करने के अलावा आपने हमारे लिए क्या ही किया। जवाब है, प्रधानमंत्री जी। बहरहाल राहुल गांधी की यात्रा का कल श्रीनगर के कांग्रेस कार्यालय में समापन है, ऐसे में पार्टी ने कार्यक्रम की तैयारियां भी तेज कर दी है। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने देश की तमाम पार्टियों को न्योता भेजा है, लेकिन केसीआर की बीआरएस और आम आदमी पार्टी शामिल नहीं है। लिहाजा इसके अलावा भी कांग्रेस ने विपक्षी दलों को आमंत्रित किया, लेकिन कई पार्टियों ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई है।